हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इन आवर यूट्यूब चैनल यूनिक लाइफ साइंसेज। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग CSIR UGC नेट 2020 एग्ज़ाम के बारे में। हम बात करने वाले हैं कि जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है इसके कब स्टार्ट होने वाले हैं, कब तक इसके एग्ज़ाम लगेगी, और जो आपकी जो CSIR नेट दिसंबर 2020 एग्ज़ाम थी उसका क्या होने वाला है, क्या वो एग्ज़ाम होगी या अब सिर्फ साल में सिर्फ एक बार ही एग्ज़ाम होगी। तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम फॉर्म नोटिफिकेशन की कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब स्टार्ट होंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो आपकी जो लास्ट एग्ज़ाम थी जून 2020 वाली एग्ज़ाम आपकी नवंबर में ख़त्म हुई थी, ठीक है। तो नवंबर में ख़त्म हुई थी, उसका रिजल्ट आ गया था आपका फरवरी मार्च में आपका रिजल्ट आ गया था। उसके बाद यदि बात करें तो आप इस CSIR के पास काफ़ी टाइम था, वो चाहती तो कब के इसके नेक्स्ट एग्ज़ाम के फॉर्म निकाल सकती, कौन से एग्जाम के दिसंबर 2020 के निकालने होंगे उसे, क्योंकि हर साल दो बार एग्जाम होती है तो उसके एग्जाम फॉर्म निकालने होंगे। लेकिन CSIR यहाँ पर डेट बताती रही, यहाँ पर ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, लेकिन इनका जो ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उस पर ये ट्वीट करके बताते रहे हैं कि कब एग्जाम होने वाली है। तो यहाँ पर ट्वीट है एक मार्च 17 का, वहाँ पर इन्होंने कहा था कि CSIR UGC नेट 2020 हैज़ बीन डिफर्ड ड्यू टू दी पेंडेमिक, न्यू डेट्स विल बी अनाउंस्ड विद इन 5 डेज। पहले तो इनसे कोई पूछे कि इन्होंने पुरानी डेट बताई कब थी, इससे पहले डेट बताई कब थी, इन्होंने कोई डेट नहीं बताई थी कि इतने तारीख से आपके एग्ज़ाम के फॉर्म स्टार्ट होंगे, कोई डेट नहीं बताई थी। बिना किसी डेट के ये बता दिए कि ये एग्ज़ाम डिफर्ड हो गई या पोस्टपोन कर दी गई है। हाँ, हमें पता है जून 2020 वाले के यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। कम से कम आप एग्ज़ाम फॉर्म तो निकाल सकते हो, इसमें आपको कोविड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं तो वो तो आप भर सकते थे, आपके पास इतना समय था, आपने कोई फॉर्म नहीं निकाला क्योंकि आपके पास अभी तक तो दिसंबर 2020 वाली एग्ज़ाम करानी बाकी है, फिर भी आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं निकाल रहे। फिर एक और यहाँ पर ट्वीट है इनका, ये ट्वीट है, बेस्ड ऑन योर फीडबैक वी विल डू आवर बेस्ट टू कंडक्ट द एग्ज़ाम इन जून 2020, दी नोटिफाई दी एग्जैक्ट डेट बाय मिड अप्रैल। तो इन्होंने 18 मार्च को फिर एक एग्ज़ाम डेट बताई थी कि जून 2021 वाली एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के मिड अप्रैल तक निकाल देंगे हम। तो फिर इसके बाद में क्या, यहाँ पर एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग, यहाँ पर एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग बात करें तो ड्यू टू दी अनसर्टेनिटीज पोस्टेड बाई द पेंडेमिक, यहाँ पर अप्रैल 20 का ये ट्वीट है इनका, CSIR नेट एग्जाम इज़ लाइकली टू बी डिफर्ड टू एटलीस्ट। तो फिर से इन्होंने इसको डिफर्ड कर दिया, फिर से पोस्टपोन कर दिया, जहाँ तक कि यहाँ पर इन्होंने कोई एग्ज़ाम फॉर्म नहीं निकाले, बिना किसी एग्ज़ाम फॉर्म के किस चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं। पहले कोई एग्ज़ाम डेट निकालो, फॉर्म भराओ, फिर उसको पोस्टपोन किया जाता है। आप जो चीज़ की नहीं उन्होंने उसको पहले ही पोस्टपोन कर रहे हैं, तो फिर वी कैन नॉट होल्ड द एग्ज़ाम पुटिंग पीपल एट रिस्क। तो इन्होंने बताया कि जुलाई 2021 तक हम एग्ज़ाम करवा देंगे, मिडिल जुलाई 2021 तक। तो अभी जुलाई भी आने वाली है क्योंकि जून ख़त्म होने वाला है, अभी कोविड केसेज भी कम हो गए, यहाँ पर लॉकडाउन खुलने लगा है, तो अभी तक भी इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि हम कब से फॉर्म स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पर सिर्फ तारीख पे तारीख बताए जा रहे हैं कि इतनी तारीख से, इन्हें पता नहीं है कि इनका कितना काम ड्यू है। यहाँ पर पहले देखें तो इन्हें दिसंबर की एग्ज़ाम करानी है, फिर जून की एग्ज़ाम करानी है, फिर कल को वापस से दिसंबर की एग्ज़ाम आ जाएगी। तो फिर क्या इस बार अब क्या साल में सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम होगा, क्यों होगा है साल में एक बार, हर बार दो बार एग्ज़ाम होते हैं। ये उन लोगों के लिए नाइंसाफ़ी होगी जिनकी जो उनकी एज है वो पूरी हो चुकी है, उनके पास सिर्फ लास्ट चांस थे, वो बैठे थे दिसंबर 2020 के भरोसे या जून 2021 के भरोसे, तो क्या वो एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। उनके तो अभी तक उन्होंने तो फॉर्म भी नहीं भरा कि उसे पिछली एज के हिसाब से चल जाए। तो फिर ये क्या करने वाले हैं, इसके बारे में CSIR कोई ऑफिशियल जॉब नहीं देता। मैंने इसके बारे में RTI भी लगाई थी, लेकिन इन्होंने सारा जो गोल मटोल जवाब दिया था वो मैं आपको पहले की वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो अब कब ये एग्ज़ाम डेट निकालने वाले हैं, तो हाल फिलहाल की हम बात करें तो इनके लास्ट ट्वीट के अकॉर्डिंग देखें तो जुलाई में ये एग्ज़ाम करवाने वाले हैं।
तो जुलाई में एग्ज़ाम करवाने वाले हैं तो उनके फॉर्म कब स्टार्ट करेंगे, जून जाने वाला है तो फिर कब स्टार्ट करेंगे, तो अभी तक ये जून लास्ट तक भी अगर फॉर्म निकाल दें तो भी ये एग्ज़ाम जुलाई में नहीं करवा सकते, तो अब एग्ज़ाम लगेगी जुलाई के बाद में ही। अब ये जल्दी करें तो हो सकता है जुलाई में, लेकिन जुलाई के चांसेस जब बहुत कम है, जुलाई अगस्त में जाकर ये एग्ज़ाम करवाएं। अगर जून में फॉर्म निकालें तो जुलाई में फॉर्म निकालें तो फिर और भी लेट सितंबर तक एग्ज़ाम होंगी। और हम दूसरी डेट्स के हिसाब से देखें कि बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं सब और जो कंपटीशन एग्ज़ाम सभी सितंबर में हो रहे हैं, सितंबर में सारे एग्ज़ाम होंगे, तो सितंबर में एग्ज़ाम्स होंगी तो चांसेज हैं कि जो सीएसआई नेट है वो भी सितंबर में, क्योंकि सितंबर तक कह रहे हैं कि नॉर्मल से आ जाएंगे, कोविड केसेज काफ़ी कम हो जाएंगे, लेकिन इसी बीच में आ रहा है कि यहाँ पर तीसरी लहर भी आने वाली है कोरोना की, तो हो सकता है ये और भी आगे डिफर्ड हो सकती है। तो अभी तक इसके बारे में कुछ भी कहना, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि सीएसआई का एग्ज़ाम करवाने का मूड भी है, इसके इनके पास इतना टाइम था। इसी बीच में यूजीसी ने यहाँ पर अपना जो यूजीसी नेट लगती है उन्होंने तो नोटिफिकेशन निकाल कर फॉर्म भी भरवा लिए थे, फिर ये कहाँ गए थे, ये लोग कहाँ गए थे, ये भी तो भरवा सकते थे हो, लेकिन इनको करवाना ही नहीं है एग्ज़ाम, पता नहीं इनका क्या मूड है। तो इसके बारे में अभी तक के कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं, जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता मैं सबसे पहले आपको अपडेट देता रहूँगा, मैं ट्वीट करता रहता हूँ इसके बारे में, इनसे जो रेस्पॉन्स लेने के लिए काफ़ी बार कॉल भी करता हूँ, लेकिन ये गोलमटोल जवाब देते, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं देते। कोई नोटिफिकेशन होगा एग्ज़ाम डेट के बारे में, फॉर्म के बारे में, तो मैं आपको ज़रूर नोटिफाई कर दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। और अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।